हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो ये जो वीडियो है हमारी आईपी कैमरा सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में हम आपको पीओई स्विच, एनवीआर, आईपी कैमरा एंड राउटर के बीच के जो कनेक्शंस होते हैं उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से उनके कनेक्शन करने चाहिए। एक एक डिटेल आपको बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हमारे पास है एक पीओई स्विच 8 पोर्ट का विद 2 अपलिंक। यहाँ पर हमारे पास है एक एनवीआर, 3 हमारे पास है आईपी कैमरे। तो इनको हम कनेक्ट करेंगे आईपी कैमरे को पीओई स्विच से और पीओई स्विच को हम करेंगे एनवीआर से। और इनके कनेक्शन विद राउटर और विदाउट राउटर, अगर आपने ऑनलाइन भी करना है अपने सिस्टम को तो विद राउटर कैसे कनेक्शन करने हैं, अगर आपने ऑनलाइन नहीं करना, सिंपली आपने कैमरे डिस्प्ले करने अपनी टीवी स्क्रीन पर, तो आपने कैसे कनेक्शन करने हैं विदाउट राउटर, तो ये दोनों ही चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है पीओई स्विच। अब ये 8 पोर्ट का है, यानी कि 8 कैमरे इस पे लग सकते हैं। 2 अपलिंक है इसके। तो नॉर्मली मार्केट में सिंगल अपलिंक वाले भी पीओई स्विच आते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको हमेशा 2 अपलिंक का लेना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब भी आपके पास 2 अपलिंक का स्विच होगा तो आप इजिली कनेक्ट कर सकते हैं इस अपलिंक से। जो फर्स्ट अपलिंक है उसको आप कनेक्ट कीजिए एनवीआर से, और जो सेकेंड अपलिंक है उसको आप कनेक्ट कीजिए राउटर से, जब भी आपने ऑनलाइन करना है। तो सिंपली आपने यहाँ से सीधा राउटर को कनेक्ट वायर देनी है और इजिली वो कनेक्ट हो जाएगा, अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मेरे पास यहाँ पर है एक लैन केबल। तो इस लैन केबल को सबसे पहले हम एनवीआर से कनेक्ट करेंगे। तो ये मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से करना है। अगर आप प्रॉपर साइट लगा रहे हैं तो पहले आप पूरी वायरिंग कर लीजिए। जितने आपके कैमरे लगेंगे उन कैमरों की वायरिंग आएगी पीओई स्विच तक, और उसके बाद पीओई स्विच से एक वायर जाएगी आपके एनवीआर तक। तो आपने ये कनेक्टर बना लेने हैं, RJ45 कनेक्टर है। तो ये इस तरह से अपनी वायर पर कनेक्टर बना लेने हैं। अभी मैं डेमो पर्पज के लिए, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास बनी बनाई वायर है तो मैं यही यूज कर रहा हूँ। तो आपने देखिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हमने जो अब हमारा अपलिंक है उससे हमने सीधा एनवीआर को कनेक्ट कर दिया। तो ये फर्स्ट हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने पीओई स्विच को एनवीआर से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जितने आपके कैमरे हैं उनको कनेक्ट करना है पीओई स्विच से। तो मैं सबसे पहले ये वाला कैमरा ले लेता हूँ और इसको देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास पीओई स्विच है तो हमें अलग से डीसी जो हमारा पोर्ट है उसमें कुछ भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अलग से अडेप्टर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्विच पीओई स्विच नहीं है, नॉर्मल स्विच है, तो आपको यहाँ पर अडेप्टर या फिर पावर सप्लाई से एक डीसी इंजेक्टर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम सीधा ही जो हमारा RJ45 कनेक्टर है उससे कनेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये 8 हमारे डाउन लिंक दिए हुए हैं इस पर कनेक्ट करना है। तो 8 अगर यहाँ पर है तो यानी कि 8 कैमरे कनेक्ट हो सकते हैं, अगर 4 है तो 4 कैमरे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कैमरा, ये देखिए हमारा फर्स्ट कैमरा कनेक्ट हो चुका है। अभी हम अपना सेकंड कैमरा कनेक्ट करेंगे। तो सेकंड कैमरे के लिए अगेन मेरे पास देखिए यहाँ पर वायर है, तो आपने सिंपली इसको यहाँ से कनेक्ट करना है और पीओई स्विच के डाउन लिंक में यहाँ पर लगा देना है। अब जो ये चारों मतलब जो 8 है इसके थ्रू आपका पावर भी जाएगी इस कैमरे में और सिग्नल भी इसी के थ्रू जाएगा, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद हम जो हमारे पास अगला कैमरा है, थर्ड कैमरा, उसको भी कनेक्ट करते हैं। उसको कनेक्ट करने के लिए देखिए सिंपली आपने जो इसका RJ45 पोर्ट है कैमरे का उससे कनेक्ट करो यहाँ पर, और उसके बाद सिंपली पीओई स्विच से कनेक्ट कर दो। तो यहाँ तक हमारे कनेक्शन पूरे हो चुके हैं, हमने पीओई स्विच को कनेक्ट कर दिया है कैमरों के साथ, और उसके बाद पीओई स्विच को कनेक्ट किया है एनवीआर के साथ। तो अभी क्या करना है, आपने इसको पावर देनी है। सो गाइस, यहाँ पर हमने पावर दे दिया अपने पीओई स्विच को। एनवीआर को अभी मैंने पावर नहीं दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा शोर ज़्यादा कर रहा है, इसके अंदर एग्जॉस्ट फैन है उसकी वजह से थोड़ा साउंड आ रहा है, तो ये फिलहाल मैंने निकाल दिया। बट आपने सिंपली इसको कनेक्ट करना है। हमारे कैमरों को भी पावर मिल चुकी है। तो यहाँ तक हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये HDMI पोर्ट है, ये VGA पोर्ट है। तो आपने HDMI पोर्ट से एक HDMI केबल अपने मॉनिटर को लगानी है, स्क्रीन को, जो टीवी रहेगा आपका उसको लगानी है। ये USB पोर्ट है, यहाँ से आपने माउस कनेक्ट करना है। सो माउस कनेक्ट करने के बाद आपने सिंपली NVR को पावर देनी है। उसके बाद आपके कैमरे एक्टिवेट होने के लिए रेडी हो जाएंगे,
और उसके बाद आपने सिंपली कैमरों की कॉन्फ़िगरेशन करनी है और आपके कैमरे आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो सिंपली इतना सा ही काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास राउटर भी हो, अभी हमारे पास राउटर है, अब इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। अब देखिए, अगर तो आपके पास एक अपलिंक वाली पीओई है, अभी जैसे हमारे पास तो दो अपलिंक है, सिंपली हमने यहाँ पर एक केबल अटैच करनी है और उसको जो हमारा राउटर है उसमें अटैच कर देना है बस। अब इसके इसी केबल के थ्रू हमारा जो NVR है वो भी ऑनलाइन हो जाएगा, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस आपके पास एक ही अपलिंक है तो देखिए आपको क्या करना है। तो आपने सिंपली जो ये वाली केबल है, जो आपके NVR वाली केबल है, उसको आपने कनेक्ट करना है अपने राउटर में और राउटर से एक केबल को कनेक्ट करना है अपने POE स्विच में, इस तरह से। तो क्या होगा, जितने कैमरे जो डाटा हमारा POE स्विच में गया हुआ है वो उसके बाद जाएगा राउटर में और राउटर से जाएगा NVR में। तो अगर आपके पास 3 या 4 कैमरे हैं तब तक के लिए तो ये ओके है, 5-6 कैमरे तक भी चल जाता है, बट उससे ज़्यादा कैमरे हैं फिर ये राउटर भी नहीं झेल पाएगा इतनी। तो आपको POE स्विच चाहिए कम से कम 100 Mbps के कनेक्शन वाला। अब यहाँ पर देखिए, दोनों जो अपलिंक है ये 100 Mbps है और जितने डाउन लिंक है जो पावर लिंक है ये 10 Mbps के होते हैं। तो 10 Mbps का मतलब है कि आप अराउंड 8 MP तक का कैमरा इसमें ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको गीगा स्विच लेना पड़ेगा, पावर वाला भी और आपके अपलिंक वाला भी जिसमें गीगा हो। गीगा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर भी आपके 1000 Mbps आएंगे और यहाँ पर भी आपके 100 Mbps आएंगे। तो इस तरह से आप अगर ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको गीगा स्विच यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर आपके पास देखिए दो अपलिंक है, दो अपलिंक में बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, सिंपली आपने कुछ नहीं करना, ये वाली केबल आपने कनेक्ट करनी है अपने NVR को। अब ये देखिए, ये वाली केबल हमने NVR को कनेक्ट कर दी। और जो ये राउटर से हमारी केबल आई है उसको हमने कनेक्ट कर दिया अपने POE स्विच में। तो दो अपलिंक का ये फायदा होता है कि आप इस पर 8-10 कैमरे भी इजिली चला सकते हो, क्योंकि हमारा ये 100 Mbps का लिंक है। आपके पास 2 MP के कैमरे हैं तो इसी 100 Mbps पर आप 32 कैमरे भी इजिली चला सकते हो, लेकिन अगर 4 MP के हैं तो उतने ही कम हो जाएंगे, क्योंकि 4 MP का जो कैमरा है अराउंड 4 से 5 Mbps की बैंडविड्थ लेता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन करनी है, ये जो कनेक्शन रहेगा ये 100 का रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर 4 MP का कैमरा है तो आपका 5 Mbps तक की बैंडविड्थ लेगा, अगर 8 MP का आप कैमरा लगा रहे हो तो 9 या 10 Mbps तक की बैंडविड्थ लेगा, अगर H.265 का आपके पास कैमरा है और जो आपका NVR है वो है। तो इस तरह से आपने देखना है, तो काफ़ी ईजी है कनेक्शन करने। देखिए, और एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, जब भी आप किसी भी साइट पर काम करो तो आपने एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने देखना है कि हमारा जो राउटर है उसका IP एड्रेस क्या है। उसी के अकॉर्डिंग जिस सीरीज़ में राउटर का IP एड्रेस होगा उसी सीरीज़ में आपने अपने NVR का IP एड्रेस बनाना है और उसी सीरीज़ में आपने अपने कैमरों का IP एड्रेस बनाना है। अब सपोज कीजिए जो हमारा राउटर है उसका जो IP एड्रेस है वो है 192.168.0.1। अब ये हमारे राउटर का गेटवे है, तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट 3 डिजिट है 192.168.0 वही आपके अपने NVR की होनी चाहिए। तो NVR का आप IP रख सकते हैं 192.168.0, 0 के बाद आप 2, 3, 4, 5, 200, 2, 5, 4 तक कोई से भी नंबर आप रख सकते हैं। सेम ऐसे ही कैमरे का होगा, फर्स्ट 3 डिजिट आपने सेम रखनी है 192.168.0, उसके बाद आप कैमरों का 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग 254 तक। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप IP रखो एक कैमरे का वो दूसरे कैमरे से या फिर NVR से मैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज IP कन्फ्लिक्ट हो जाएगा और फिर एरर आएगा। तो आपने हर एक का जो लास्ट डिजिट है वो अलग रखना है हमेशा। तो सिंपली ये कनेक्शन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो गाइस, देखा आपने कितना ईजी है कनेक्शन करना बिटवीन NVR, IP कैमरा, POE स्विच एंड राउटर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।